नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। खबर आजमगढ़ से है, जहां कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने मीडिया को जानकारी में बयान में बताया कि आखिर भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 13 जून 2022 को ईडी की नोटिस पर दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय जाएंगे। सरकार के दबाव में ईडी द्वारा राहुल गांधी को परेशान करने के लिए गलत ढंग से कार्रवाई की जा रही है। सरकार के इस कृत्य के विरोधास्वरूप उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 13 जून 2022 को ईडी कार्यालय पर पैदल कर मार्च करेगी और बीजेपी सरकार द्वारा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग पर अपना दर्ज विरोध कराएगी। पैदल मार्च के लिए आजमगढ़ कांग्रेस के लगभग 500 कार्यकर्ता लखनऊ रवाना होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार आई है, लगातार अपने विरोधियों को डराने और परेशान करने के लिए ईडी सीबीआई आईटी का गलत ढंग से दुरुपयोग कर रही है और चाहती है कि विरोधी बीजेपी सरकार के सामने घुटने टेक दें। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे डरने वाली नहीं है। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा सावरकर की गलत नीतियों का विरोध करती रही है और करती भी रहेगी।